नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 44 के रहवासी एक लंबे समय से वार्ड में विकास कार्य की बाट जो रहे हैं, जिससे उन्हें भी नरकीय जीवन जीने से छुटकारा मिल सके। नगर पालिक निगम भिलाई का वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण नगर पूरी तरह से उपेक्षित नजर आता है, क्योंकि यहां के रहवासी अब भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं और समस्याएं भी इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं। पहली समस्या की बात करें तो इस वार्ड में एक सुलभ शौचालय है, जिसमें महिलाओं की तरफ बने शौचालय में दरवाजे ही नहीं हैं। और तो और, इस सुलभ शौचालय का चेंबर भी पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसकी न तो सफाई की जा रही है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा रही है। वार्ड वासियों का यह भी कहना है कि सुलभ शौचालय में जो महिला साफ सफाई का काम पहले करती थी वह बेहतर थी, परंतु उसे हटाकर किसी अन्य महिला को यहाँ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो ठीक नहीं है। अब रही बात दूसरी समस्या की, इस वार्ड के बीचों बीच से गुजरने वाले नाले के दोनों तरफ टो वॉल बना दिया गया है, जिसके लिए वार्डवासी धन्यवाद तो करते हैं, परंतु इस टो वॉल से उत्पन्न समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टो वॉल बनाने के बाद गलियों से गुजरने वाली नालियां जो इस नाले में मिलती थी वह बंद हो गई हैं और अब नालियों में पानी जमा हो रहा है, और जिससे विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं और जल जनित बीमारियों का खतरा भी लक्ष्मी नारायण नगर में बढ़ता नजर आ रहा है। वार्डवासियों ने अपनी समस्या ग्रैंड एशिया न्यूज टीम से साझा की है। भैया, उसका सफाई नहीं होता है अच्छे से। जो एक महिला थी वो अच्छे से साफ करती थी, कभी कल कुछ नहीं भी रहता तो अपने पैसों से ला के हर चीज़ करती थी। बकायदा टंकी साफ करती थी, ब्रश लाती थी, नल उल कहीं से पानी नहीं आ रहा तो व्यवस्था करती थी, मोटर उटर लगा के भरती थी। और जब से वो साफ कर रही नहीं है, कोई भी सफाई नहीं कर रहे हैं, बस वैसे ही गंदा पड़ा है सुलू। और पीछे का टंकी भी भर गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इधर नाला बन रहा है, वो नाला भी घर उल का पूरा पानी घुस जा रहा है, घर लोग में पानी पूरा जा ही नहीं रहा है। बंद करके हम लोग कितना बोल चुके हैं, अभी तक वो गड्ढा नहीं किया है, नाले का जाने का रास्ता ही नहीं बनाया है अभी तक। जो भी है पूरा मट्टी और बकायदा मट्टी बांट दिया है। तो क्या चाह रहे हैं अभी शासन प्रशासन से, क्या मांग करेंगे? हम नाली, हमारा नाली क्लियर कर देना चाहिए, बस हमारा पानी जाना चाहिए नाली का, हमको सुविधा चाहिए नाला का बस। अरे तो नाला को नाली तो बना देना चाहिए, बकायदा और मट्टी डाल दिया है उसमें आके लाकर बोलता है 15-20 दिन, तो 15-20 दिन के बाद क्या कि घर में पानी नल चले जाएगा, गटर का पानी चले जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा कीड़ा जा रहा है घर लोग में, छोटा छोटा कीड़ा जा रहा है, बरसात इधर चालू हो गया बरसात। बताएंगे हम लोग को नाला बनाए, हम लोग बहुत खुशी हुए कि नाल पुल बना दे रहा है, अच्छा है, मगर पुल को भी उठाना चाहिए और अगल बगल जो मट्टी डाला है उसको साफ सुथरा कर कर डालो, और जो बाथरूम में नहाते हैं वो पानी कहाँ जाएगा, घर पे आएगा? नाला भी तो पीछे में जो मोहल्ले वाले सब है, गली छुमे नाली है, उसको भी बंद करिए। तो अब वहाँ पानी आए, छोड़ दिए अच्छे जगह, तो बस्ती में पानी घुस जाएगा, तो घरों में जहाँ से पानी घुसता है वही जगह में। और नाला तो है ही समस्या, लेकिन उससे भी बड़ा समस्या है पानी, जो 12 महीने हमको टंकर से मिलता है, नल से उतना पानी हमको नहीं मिलता। तो हमको चाहिए कि हमारे लाइन में भी एक नल लगे, जिससे बहुत सारे लोग का समस्या समाधान हो जाए, यही चाह रहे हैं। और नाला जो अधूरा है उसको कंप्लीट करें, हर महीना सफाई नहीं होता, 3-4 महीना में एक बार सफाई होता है, तो हम चाहते हैं कि हर महीना सफाई हो। जो कीड़ा लोग घर में जा रहा है, बहुत परेशानी है। कंप्लेन नहीं करते हो आप? कंप्लेन हम लोग बहुत बार करते हैं। ये वार्ड लक्ष्मी नारायण खुर्सी पार का है और वार्ड नंबर 44, और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये जो नाले की समस्या ही आज की समस्या नहीं है, ये विगत कई वर्षों से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। नाले का जो निर्माण भी हो रहा है, ये ठेकेदार के द्वारा जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसकी पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो उचित नहीं है। साथ ही हम लोगों ने अभी देखा, यहाँ पर जो सुलभ शौचालय है, उस सुलभ शौचालय का जो गटर है वह भरा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, इन लोगों के बताने के द्वारा जो है अगर देखा जाए, तो इसमें इससे पहले जो स्वीपर का काम करती थी जो महिला जो है, वो उसको अच्छे तरीके से कर लेती थी, लेकिन अभी जिस महिला को यहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्था करने के लिए रखा है, उसके द्वारा यहाँ की सेवा जो है सही रूप से नहीं दी जा रही है। जगह जगह हम लोग देखे कि पानी की भी तमाम प्रकार की समस्याएँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ कभी टैंकर नहीं आया था, जो वहाँ टैंकर जो है आता हुआ लोग बता रहे हैं, यहाँ की माताएं बहनें, कि वहाँ पर टैंकर आ रहे हैं जो है। वो मैं चाहूँगा निगम प्रशासन से कि इन सब व्यवस्थाओं को समय रहते, अभी बारिश में समय है, और समय रहते जो है दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पिछली बार
यही जगह है, यही स्थान है, यही बस्ती है। यहाँ पर हम लोग आए थे कि लोगों के बेडरूम तक जो है पानी जो है घुस गया था, और उस खबर को हम लोगों ने पेपर में भी, अखबार में भी और चैनलों में भी जो है चलवाया था, दिखाया था। उसके बाद भी अगर निगम नहीं जागता है, निगम के अधिकारी नहीं जागते हैं, तो ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस बस्ती का। जो वार्ड 44 लक्ष्मी नारायण नगर के रहवासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इस ओर कृपा दृष्टि बनाई जाए, जिससे यहाँ के रहवासी भी इस नरकी जीवन से निजात पा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।